Hi guys, namaste and welcome once again to Dance with Deepti. Thank you so much for all the love and support you've shown my channel. आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो है एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. जब मैंने रिशिता की स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि रिशिता को प्लीज यूट्यूब पे लाएं ताकि हम उसकी स्टोरी को सबके सामने ला सकें और वो सारी चीजें शेयर करें जो उसकी जर्नी में उसको बहुत हेल्प करी है. इससे पहले कि हम उसकी डिटेल शुरू करें, देख लेते हैं एक झलक. रिशिता ने अपनी 7 मंथ्स की जर्नी में 100 kg से शुरुआत करी थी और आज वो 63 kg पे है, यानी ऑलमोस्ट 37 kg इन 7 मंथ्स का वेट लॉस हुआ है उसका. और इस जर्नी की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी जर्नी बिना किसी एक्सट्रीम वर्कआउट, बिना किसी एक्सट्रीम डाइट के पॉसिबल हुई है. तो इसलिए और भी जरूरी है कि हम इसको शेयर करें ताकि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाएं कि हम अगर एक बैलेंस अप्रोच लेंगे तो भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं. एक 7 मंथ की जर्नी को सस्टेन करना, उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम रिशिता से पूछेंगे वो ये है कि क्या जब उसने अपने वेट लॉस की शुरुआत करी थी, क्या उसे पता था कि उसका इतना वेट लॉस होगा? कि मुझे नहीं पता था कि मैं वेट लूज करूंगी या नहीं, क्योंकि एन ईयर बिफोर आई ऑल्सो ट्राइड कि मतलब मैं वेट लूज कर लूँ. जब मेरी गर्मी की छुट्टियां हुई थी और मतलब मुझे 12th के बाद कॉलेज जाना था, तब मेरी मम्मी मुझे बहुत फोर्स करती थी एक्चुअली. तो मैं मतलब एज इन फोर्स नहीं होता था वो, बट मतलब वो मुझे कहती थी कि कॉलेज जाना है करके तो थोड़ा कर ले, बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं था इसलिए वो नहीं हो पाया. मेरी वेट लॉस जर्नी जब मैंने एक बार अपना डिसाइड कर लिया था कि यार दिस टाइम आई हैव टू लूज वेट, मुझे वेट लूज करना ही है, तो मुझे पता कुछ था नहीं उस टाइम पर. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ घर का खाना खाऊंगी, उसमें मैं थोड़ा ऑयली और मीठी चीज़ें अवॉइड करूँगी एंड आई एम गोइंग टू हैव होम कुक फूड ओनली, बस मैं वही खाऊंगी. फिर कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाना चाहिए जिससे मेरा वर्कआउट वेट लॉस थोड़ा जल्दी होगा करके. तो आई सर्च फॉर डांस वीडियोज ऑन यूट्यूब. मतलब मुझे फ्लोर वर्कआउट्स पसंद नहीं थे कभी भी, तो मैंने डांस वीडियोज सर्च की. तो मुझे यूट्यूब पर बहुत सारी डांस वीडियोज मिली, बट उनका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता था, लाइक लेस देन 5 मिनट. तो इतनी छोटी वीडियोस, कितनी वीडियोस करोगे ना. तो मुझे फिर YouTube पर ही बहुत टाइम YouTube में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे दीप्ति मैम का एक वीडियो मिला. उसका लेंथ अराउंड 20 मिनट्स था. तो मैंने वो वीडियो खोल के देखी तो वो वीडियो मुझे अच्छी लगी कि लाइक 20 मिनट तो ठीक है इनफ है मेरे लिए अभी तो स्टार्टिंग में. तो मैंने उनका पेज खोल के, मतलब उनका चैनल खोल के और वीडियोस देखी. तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस थी, उसमें बिगनर्स वीडियोस भी थी. तो मैंने 20 मिनट्स वाली वीडियो से ही स्टार्ट किया क्योंकि 20 मिनट्स भी मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा टास्क था उस टाइम पे, कि मैं 20 मिनट्स नहीं करती थी उस टाइम पे, कंटिन्यू नहीं कर सकती थी उसे भी. जब भी हम अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम सबसे पहले अपना वेट चेक करना शुरू कर देते हैं. हर दिन मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले वेट चेक किया, उसे नोट डाउन किया. और आप अपनी जर्नी में चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे आप डाइट चेंजेस कर रहे हैं या वर्कआउट्स ऐड कर रहे हैं, जब तक आपका वेइंग स्केल नहीं हिलता आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि आपकी जर्नी काम कर रही है कि नहीं. तो पता करते हैं रिशिता से कि वो कितनी बार अपना वेट चेक करती थी और उसे कैसे पता चला कि उसके लिए उसके वर्कआउट्स या उसकी डाइट काम कर रहे हैं नहीं. जब मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया था तब एक्चुअली मेरे पास वेइंग मशीन नहीं था, तो मुझे स्टार्टिंग में मेरे वेट का डिफरेंस इतना तो नहीं पता कि मेरा वेट कब कितना कम हुआ क्या हुआ, क्योंकि मुझे मैंने वेइंग मशीन कुछ 2 मंथ्स बाद ली थी एक्चुअली. तो स्टार्टिंग में जो मुझे वर्कआउट्स के थ्रू चेंजेस थे वो मतलब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पे थे. जो मेरा वर्कआउट टाइमिंग, जैसे पहले मैं 20 मिनट था, वो मेरा बढ़ के 25 मिनट्स, 30 मिनट्स तक हो गया था. लाइक मैं जो वीडियो 30 मिनट्स लेती थी उसे पहले 20 मिनट्स के राउंड करती थी, उसे पूरा पूरा ख़त्म करने लगी थी.
तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई थी, जैसे मैं हाँफने लग जाती थी पहले, वर्कआउट्स के बीच में रुकना पड़ता था मुझे, वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मतलब वेट के फॉर्म में मुझे डिफरेंस नहीं पता, बट मुझे ये सारे बेनिफिट्स वेट के अलावा जो मुझे पता है वो मैं ये थे। और अपनी पिक्चर्स लेना स्टार्ट करो, लाइक एक पिक्चर आपने अभी ली, एक पिक्चर आप नेक्स्ट मंथ लो, आप अपने आप को रोज़ देखते हो, आपको उन चीज़ों में उतना डिफरेंस नहीं देखेगा। बट जब आप अपने फोटोज़ को कंपेयर करोगे, लाइक बिफोर आफ्टर बनाओगे उनका, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपके वेइंग स्केल में आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो आपको डिफरेंस अपने पिक्चर्स में देखने को मिलेगा। लाइक मतलब आप हर टाइम में थोड़ा थोड़ा फैट आपको कम दिखने लगेगा उस चीज़ पर। और इन सारे चेंजेस से मुझे फिर अंदर से मोटिवेशन आया कि हाँ, मतलब ये चेंजेस अभी है तो ऑब्वियसली वेट में भी चेंजेस हो ही रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास तो वेइंग मशीन थी नहीं और मैं बार बार जाके कहीं चेक नहीं करती थी। तो मुझे अंदर से मोटिवेशन आता था कि यार मतलब ये चेंजेस है अभी, तो बाकी भी चेंजेस मेरे में आ जाए। और मैं रोज़ अलग अलग वीडियोस करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं वही रोज़ एक 20 मिनट्स वाली वीडियो करती थी, बट मैं रोज़ अलग अलग वीडियोस अपने हिसाब से जो मुझे मेरा इंटरेस्ट होता था। ऐसा नहीं है कि मैं 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है तो वही सेलेक्ट करूँगी, मैं 30 मिनट्स वीडियो भी लेती थी, जितना मुझे होता था मैं उतना कर लेती थी उसे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप 10 kg 15 kg एक महीने में लूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि एक हेल्दी वेट लॉस हमेशा 3 से 5 kg में होता है, और कुछ लोगों के लिए जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी बात पे आई एम श्योर आप बहुत ही क्यूरियस हैं कि रिशिता खाती क्या थी, तो लेट्स फाइंड आउट कि उसने अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस किए। एक्चुअली मुझे हमेशा से मीठा और ऐसा मतलब खाने पीने का बहुत शौक रहा है टाइप्स में, तो इन ऑर्डर टू लूज वेट मुझे ये सारी चीज़ें मतलब छोड़नी तो नहीं थी, बट कम क्वांटिटी में। लाइक मतलब मेरी आदत थी कि मुझे हर खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, और नॉर किसको ये आदत होती है, बट होती है बहुत सारे लोगों को। तो मुझे मेरे खाने के ऑप्शन चेंज करने पड़े थे, लाइक मतलब हेल्दी ऑप्शन उनको रिप्लेस किया था मैंने। जैसे मैं जो मीठा खाने की मुझे आदत थी वो मैंने गुड़ से रिप्लेस की थी, जो मुझे स्नैकिंग में उल्टा सीधा चीज़ें खाने की आदत थी उनको मैंने फ्रूट्स वगैरह से, मखाना, मतलब अच्छी हेल्दी ऑप्शन से जो मैं खा सकती हूँ और उनसे वेट लॉस मतलब हेल्थ में भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इतना, वो वाले ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब सारी चीज़ें एक ही टाइम पर चेंज कर लें हम और हम उस चीज़ को कंटिन्यू भी रखें, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहते हो तो एकदम से कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होती है। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बेटर बनानी है तो एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करो, पहले अच्छे खाने से स्टार्ट करो, फिर वर्कआउट से स्टार्ट करो। वर्कआउट से आप डायरेक्टली वर्कआउट पे नहीं जा सकते हो अगर, तो आप सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट करो। जो भी है आपका मतलब ऐड वन थिंग, एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करो कि मैं अच्छा खाना खाऊंगी। अच्छा खाना आपने स्टार्ट किया, नेक्स्ट वीक से आप अपने आप को ये बोलो कि मैं अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करूँगी, एटलीस्ट 1 फ्रूट अ डे। मतलब हर चीज़ एक टाइम पे एक चीज़ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करो। सारी चीज़ें एक साथ करने जाओगे आप गिवअप कर दोगे एंड में कि ठीक है सब कुछ चेंज हो गया, नहीं हो रहा है। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मोटिवेशन, तो मोटिवेट आपको कभी कोई नहीं कर सकता है। अगर आप YouTube पर जाकर अभी देखोगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन वेट लॉस जर्नी, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी उस चीज़ पर वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें कितना अडॉप्ट करते हो, आप उन्हें कितना मानते हो। क्योंकि मोटिवेशन खुद से आता है, कोई आपको आके मोटिवेट नहीं कर सकता कि आप जाओ और करो। अपने सारे वर्कआउट और डाइट चेंजेस करने के बाद रिशिता ने 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट 26 kg लूज करे। ये सारे चेंजेस उसके वेइंग स्केल पे ही नहीं बट उसकी ओवरऑल लुक में भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इसके बावजूद इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी रिशिता का एक पॉइंट आया जब उसने एक वेट लॉस प्लेटो को हिट किया। वेट लॉस प्लेटो उसे कहते हैं जब आप सारे एफर्ट्स बिल्कुल कंसिस्टेंट रख रहे हैं, उसके बाद भी आपका वेट एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, उससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं हो पाता। तो उस पॉइंट पे जाके रिशिता ने मुझे मैसेज किया और फिर हमने उस पर काम किया, हमने उसके वर्कआउट्स को मॉडिफाई किया, हमने उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जिससे वो अपने इस वेट प्लेटो को ब्रेक कर पाई और फिर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाई।
तो लेट्स फाइंड आउट रिशिता से कि जब ये वेट प्लेटू का सिचुएशन चल रहा था तो उस पॉइंट पे जाके जब आप 5 महीने तक मेहनत कर रहे हो और आपका रिजल्ट मिलना बंद हो जाए तो क्या रिशिता को कभी ऐसा लगा था कि गिव अप कर दें? गिव अप वाला पॉइंट मेरी जर्नी में नहीं आया कभी, क्योंकि मैंने अपने आप को स्टार्टिंग में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न दे रखा था कि मुझे क्यों करना है। तो इसलिए मुझे इतना कभी वो नहीं आया कि मैं मतलब नहीं करती हूँ टाइप्स में या मैं आधे में छोड़ देती हूँ। मैंने एक कोट पढ़ा था, इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग। मतलब आपकी जर्नी कितनी भी स्लो है ठीक है, डोंट स्टॉप वर्किंग ऑन इट। उसमें आप हो तो सही ना, एटलीस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। वेट में नहीं मिलेंगे तो हेल्थ में मिलेंगे, बट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप किसी अच्छी चीज़ पे हो तो वो आपको रिजल्ट्स दे ही रही है किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिशिता की जर्नी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। तो रिशिता से ये पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि उसकी लाइफ कैसे चेंज होगी। पहले जब शॉपिंग के टाइम पे चीजें मुझे फेस करनी पड़ती थी, लाइक ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, बट मैं उनमें फिट नहीं होती थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म हो गई है। तो मुझे एक बहुत बेटर लाइफस्टाइल मिल गई है और इन 7 महीनों में मैंने खुद को बहुत चेंज कर लिया है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के रिएक्शन, एवरीवन वाज शॉक, क्योंकि मुझसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं कभी ये सब कर लूँगी। क्योंकि मतलब मैं हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही बहुत चबी क्यूट, मतलब हर किसी की नज़रों में मैं क्यूट वाला वो था मेरा। कोई मतलब ये नहीं कि मैं इतनी ऐसी हो जाऊँगी कभी भी। तो एकदम से वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मेरी लाइफस्टाइल में बहुत से चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। मतलब जो मैं आलस रहता था मुझे लाइक हमेशा कि मैं कभी उठ के जाती ही नहीं थी, फिज़िकली मैं बहुत इनएक्टिव रहती थी, तो उन चीज़ों में मुझे बहुत हेल्प हुई है। मतलब मैं बहुत एक्टिव हूँ अब, कॉन्फिडेंस जो पहले नहीं था वो अब बहुत है। आई नो कि बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हमेशा एक डाउट रहता है, एक डायरेक्शन नहीं रहता कि हम कहाँ से शुरू करें, हमें क्या चेंजेस करने हैं, हमें क्या अप्रोच लेनी है। तो उन सभी लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, रिशिता तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी? अगर आप भी ऐसे कोई हो जो वेट लॉस करना चाहते हो तो मैं आपको बस एक चीज़ ये बोलूँगी कि मतलब स्टार्टिंग से अपने आपको एक बहुत स्ट्रांग रीज़न दो कि आप ये कर क्यों रहे हो। ये मतलब आप खुद के लिए कर रहे हो, आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर टाइप का लुक दिखना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर ड्रेस में फिट होना चाहते हो, आपका जो भी रीज़न है आप अपने आप को वो रीज़न दे दो कि आपने क्यों स्टार्ट किया है या मतलब आप क्यों करना चाहते हो ये चीज़। उसके बाद अगर आपको लगता है बीच में कभी भी कि मुझे नहीं करना है टाइप्स में, तो आप अपने आप को वो रीज़न याद दिलाओ कि आपने स्टार्ट किया क्यों है, यहाँ पे व्हाई आर यू हियर। मतलब और अगर आप बीच में उसे गिव अप कर देते हो ना, तो आपको वो जर्नी पूरा वापस स्टार्टिंग से ज़ीरो से स्टार्ट होती है फिर जर्नी आपकी। अगर आपको ऐसा लगता, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है टाइप्स में, तो आप ब्रेक ले लो उस चीज़ से, बट उस पर गिव अप कभी मत करो कि अब मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती हूँ। ये मैंने आपको मेरी जर्नी बताई, इससे आपको हो सकता है कुछ मोटिवेशन मिले। इन केस आपको अभी भी मोटिवेशन नहीं मिलता है तो गो एंड चेक दीप्ति मैम्स इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, वहाँ आपको इतने सारे लोग वर्कआउट्स करते हुए दिखेंगे, इवन आंटीज बहुत जो जिनकी मतलब एज ऑलमोस्ट 50+ 55+ है, वो भी इतने अच्छे से वर्कआउट्स करते हैं वहाँ पर। मतलब उनसे जैसा होता है वो वैसा करते हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ। अगर आपको नहीं पता है आपको किस वर्कआउट से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ से क्या करना चाहिए, तो आप दीप्ति मैम का वेबसाइट चेक करो, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे। वहाँ पे फ्री प्लान्स भी बहुत सारे हैं, आपको वो पूरा वर्कआउट गाइडेंस मिल जाएगा पूरे 5 वीक्स के लिए, और 5 वीक्स बहुत होते हैं किसी भी इंसान को मतलब वर्कआउट्स के लिए रेगुलर होने के लिए। थैंक यू सो मच रिशिता, तुमने अपनी इतनी अमेजिंग स्टोरी, इतनी अमेजिंग वेट लॉस जर्नी हमारे साथ शेयर करी। मुझे पता है कि तुमने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है और आज तुम्हारी स्टोरी सुन के आई एम श्योर और लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। रिशिता की जर्नी इतनी अमेजिंग रही है और उसकी जर्नी में मैं लगभग पूरे ही टाइम उसके साथ थी, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मैं उसे प्यार से रिशिता बच्चा बुलाती हूँ। तो लव यू रिशिता बच्चा, एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी एज योर मेंटर। एक जो मैसेज है जो मैं बार बार रीइन्फोर्स करती हूँ वो ये है कि रिशिता की जर्नी में कहीं भी कोई भी एक्सट्रीम चीज़ नहीं थी। उसकी एक जो कॉमन चीज़ थी वो है उसकी कंसिस्टेंसी
और उसका जो डेडिकेशन, जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख पाए और उसे कंटिन्यूड रिजल्ट भी मिलते रहे। अगर आपको भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मेरे फ्री प्लान्स, मेरी फ्री डाइट प्लान्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप स्टार्ट कर पाएं। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे पेड प्लान्स पे भी आ सकते हैं, जिसमें हम पर्सनली आपको हेल्प करेंगे आपके वर्कआउट सिलेक्ट करने में, आपके राइट डाइट सपोर्ट के लिए और आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच वंस अगेन रिशिता, एंड आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। अगर आपने भी डांस विद दीप्ति के साथ वेट लॉस जर्नी की है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना वेट लॉस हुआ, कितने टाइम में वेट लॉस किया और आपने कोई डाइट्स फॉलो करी या नहीं। तो अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय एंड थैंक यू। जरा पंख झटक गई, धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में, ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे, मजा कली उड़ मटक कली मसक कली।